नमस्कार दोस्तों, आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं कॉमेडियन कम्युनिटी से, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अभिषेक अभिमन्यु के बारे तो में। अभिषेक अभिमन्यु के हेल्थ इश्यू के बारे में एक बुरी खबर है। तो वे बताते हैं कि लगातार वे आंख में लेंस डालकर रात में सो रहे थे, जिसके कारण उनके आंख में कुछ काफी सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बारे में वे बताते हुए क्या बोले वो देखो आप। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट वीडियो है ये। तो आज से 2-3 साल पहले मैंने हीरो बनने के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने शुरू कर दिए थे, और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का सबसे मेन रूल ये है कि तुम्हें उनको पहन के सोना नहीं है। पर मैं सो गया 3 साल के लिए, और जब मैं 2-3 दिन पहले उठा तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने बताया कि तुमको कॉर्नियल अल्सर हो गया है, अगर तुम्हारी कॉर्निया के ऊपर इन्फेक्शन और बढ़ता रहा ऐसे तो तुम अपनी आंख भी खो सकते हो। अब देखो यार, तुम्हारा तो पता नहीं, बट आउट ऑफ द 5 सेंसेस आंख मेरी सबसे टॉप फेवरेट वाली में आती है। बेस्ट सेकेंड पे आता है जीभ, और फिर कान, और फिर सेंस ऑफ टच, और लास्ट में आता है नाक। नाक का उतना कोई नहीं है, मतलब अगर ठीक भी रही तो 3-4 साल में वैसे भी निकलवाने ही वाला था। तो अगर तुम कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो तो भाई सोना मत उसमें। बाकी अगर आंखें रही मेरी तो आगे तुम वीडियो देखोगे जहां मैं तुम्हें आंखों में देख रहा हूँ, वरना इधर देख रहा हूँ। तो अगली अपडेट जाकिर खान के बारे में। तो जाकिर खान का एक काफी फेमस पॉडकास्ट उम्मीद, जिसका सीजन 1 काफी ज्यादा हिट हुआ था, तो जिसका सीजन 2 का पहला एपिसोड भी आ चुका है। तो सीजन 2 का पहला एपिसोड यूट्यूब में आया है, जिसमें कि मनोज शर्मा और शारदा जोशी, जो कि 12 फेल जो नया मूवी आया है उसके जो रियल कैरेक्टर्स हैं, दोनों UPSC निकाल चुके हैं, उनका स्टोरी है, वही दोनों जो है इनके गेस्ट हैं। तो उम्मीद के सीजन 2 का सभी एपिसोड जाकिर खान ऑफ स्टेज नाम के यूट्यूब चैनल पर वीडियो फॉर्म में रिलीज होगा, मतलब ऑडियो में नहीं, इस बार वीडियो फॉर्म में रिलीज होने वाला है सारे एपिसोड, जिसके बारे में जानकारी देते हुए जाकिर खान क्या बोले वो देखो आप। 2020 में जब हमने उम्मीद शुरू किया था, तब हमको नहीं पता था कि इसकी इतनी मकबूलियत होगी, इतना मशहूर हो जाएगा, इतना प्यार इसको मिलेगा। आज भी उसके 4 साल बाद तक मुझे जो 10 मैसेज आते हैं, उसमें से 5 नहीं तो 6, 4 बिल्कुल नहीं मैसेजेस उम्मीद के बारे में होते हैं। आप लोगों के इतने प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो अब ये बड़ा एक दुविधा थी उस वक्त कि ऑडियो पे करें कि वीडियो पे करें, क्योंकि उसकी जो ज़ात है वो ऑडियो की है, उसका जो तरीका था बात करने का वो ऑडियो का था। हम रेडियो में पहले काम करते थे तो उसका हल्का अंदाज़ा भी था हमको, वीडियो का हमको उतना अंदाज़ा नहीं है, आज भी ठीक से काम आता नहीं है। पर क्योंकि सब लोग ही ऑडियो पे नहीं कर रहे हैं, वीडियो पे ही कर रहे हैं, तो हमको लगा कि भाई ये तो बड़े धर्म संकट हो गया। तो उसका फैसला हमने कुछ ऐसे निकाला कि एक छोटा सा चैनल हमने खोला था, उस पर कुछ ज़्यादा डाला नहीं, जाकिर खान ऑफ स्टेज नाम से, तो उस पर ऑडियो रहेगा, और इस पे थोड़ा छोटा वर्जन उसका वो वीडियो में इस चैनल पे रहेगा। तो उम्मीद, तो जाकिर से ही जुड़ी हुई और एक बड़ी अपडेट, उनका जो नया स्पेशल था तो उसको फिल्मफेयर OTT 2023 में नॉमिनेशन मिला है, बेस्ट स्पेशल या फिर सीरीज की कैटेगरी में इसको नॉमिनेशन मिला है, जिसके बारे में जाकिर खुद इंस्टा में स्टोरी डालकर बतलाए थे। तो अगली अपडेट जो है वो अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। अनुभव सिंह बस्सी का जो नया वीडियो आया है उस पर आर माधवन ने रिएक्ट किया है, गॉड ब्लेस यू, जो कि उनके सेकंड चैनल पे एक वीडियो आया है जिसमें कि 3.5 मिलियन व्यूज है एक दिन में, जिसके बारे में इंस्टाग्राम में आर माधवन स्टोरी डालकर लिखे थे, He's one of the best in the world. I'm such a huge, huge fan. I keep waiting for his episode to drop. Never happened in a long time. बहुत सारा प्यार मेरे भाई भी है बस्सी, जिसके बारे में बस्सी रिप्लाई करते हुए लिखे, थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट, लव यू। तो भाई बॉलीवुड से भी रिकॉग्निशन मिल रहा है बस्सी भाई को। तब अगली बट कुरलीन पन्नू के बारे में है। तो क्या कुरलीन पन्नू बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जिसके बारे में काफी फैंस उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि वे लगातार सूट पर दिखाई दे रहे थे और वे बिग बॉस के सूट में भी काफी बार दिखाई पड़े थे, जिसके बारे में कल एक स्टोरी डालकर कुरलीन जवाब दिए, तो क्या बोले वो देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिग बॉस के घर पे जा रही हूँ, उसकी एक साइड प्रॉपर्टी है, हम वो करते हैं, तो उसकी शूट चल रही है, मैं बिग बॉस के घर पे चल जाऊंगी तो कल मेरा शो कौन करेगा। 17 नवंबर द्वारका कल शो है, मतलब गुरलीन पन्नू बिग बॉस में नहीं, बिग बॉस के कोई एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं। शायद से आप लोग जानकारी नहीं हो कि बिग बॉस क्या है, तो मैं बताता हूं। एक शो है जो कि कृष्णा अभिषेक के द्वारा ही होस्ट किया जाता है, जो कि बिग बॉस का ही एक पार्ट, जिसमें कि जो भी कंटेस्टेंट बाहर आते हैं घर से वे इसमें आकर शूट करते हैं, जिसमें कि गुरलीन पन्नू दिखाई देंगे। तो अगली बार गौरव कपूर के बारे में। तो कल जो है गौरव कपूर का एक दिवाली ब्लॉग आया था, जिसमें कि वे बताते हैं कि 80,000 हार गए थे एक बार ताश, जिसके बारे में अपने वाइफ श्रेया को भी नहीं जानकारी दिए थे। तो उनका भाई जो है दिवाली में ताश खेलते खेलते इसके बारे में भांडा फोड़, वे बताते हैं कि वे कैलिफोर्निया में कैसिनो खेलने गए थे, जिसमें कि 40-50 हजार रुपए हार गए थे, और पूरा उनका दोस्त वोस्त मिला के 1,10,000-20,000 रुपए वो लोग हार गए थे। तो अभी तो कोई एक क्लिप भाई, जिसमें कि श्रेया का रिएक्शन बहुत ही मजेदार है। कौन क्या बोल रहे हैं? एम्स्टरडम में क्या कैसीनो गए थे ना? तू गया था कैसीनो? भैया लेके गए थे, ये तो लेके गया था, सुरमित लेके गया था। और कौन, कितना आ रहा है? 80,000। कौन आ रहा है? ये गुब्बी, तूने बताया तो नहीं मुझे? नहीं वो देख, 40 गुबी, ये बताया तो नहीं तूने? 80 मतलब मेरे हिसाब से सब टोटल मिला के आ रहे हैं। 80 नहीं, 40 तो मैं आ रहा था, सुरमित आ रहा 40-50, और बाकी सब मिला के 20-25 और लाख रुपए। बताया भी नहीं भैया, देख ना
अच्छा भूल गए होंगे, 40,000 खो के कोई भूलता है? एडिलेड में जीता था मैं 35,000 रुपए, इतना मजा आया और मैं लेके निकल गया, पता नहीं इतनी चुरमुची मेरा आपके फिर तो शायद 2 मिनट में खत्म हो गया सब। तो आज के लिए इतने दोस्तों, लगातार ऐसे ही कॉमेडियंस से जुड़ी अपडेट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, घंटे दबाना मत भूलिएगा।